सोमवार से यानी कि 29 जून से जो आपका क्लास है एसएससी 10+2 जिनका भी एग्जाम आने वाला है, प्लस रेलवे वाले भी ये क्लास देख सकते हैं। पूरा क्लास आपका स्टार्ट होगा, जो एग्जाम में हाल फिलहाल में क्वेश्चन बन चुके हैं आपके वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आजकल के न्यू पैटर्न के में जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है आप सभी से, ठीक है। और आज कवर करेंगे हम सभी 26 से 27 जून के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। सो चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और एक बात, टेलीग्राम से अगर आप सभी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन होने के बाद हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन जो है सक्सेस की 98 उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक ट्वीट पर ट्विटर केंद्र राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? कहां के उच्च न्यायालय ने? तो तेलंगाना के। अब यहां पर हुआ क्या है पहले यह भी आप सभी समझ लीजिए कि हाई कोर्ट को जो है वो नोटिस क्यों सेंड की करना पड़ा है। तो एक्चुअल में एक मुस्लिम संगठन है जिसके द्वारा ना राष्ट्र का जो राजधानी है वो निजामुद्दीन बताया गया था, इसके ऊपर जो है तेलंगाना हाई कोर्ट ने ट्विटर को, केंद्र को, राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करूं तेलंगाना का कैपिटल क्या है तो वो है आपका हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है वहां के? केसीआर, सभी को पता है, के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल कौन है? तमिलसाई साउंडर राजन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2020 में किस देश में सीमित हज यात्रा होगी? आप सभी को पता है ना, बहुत सारा त्योहार बोल सकते हो, यात्रा बोल सकते हो, वो रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के वजह से, उसमें से एक हज यात्रा भी था। लेकिन अभी हल्का सा परमिशन दे दिया गया है हज यात्रा 2020 के लिए, लेकिन सीमित, लिमिटेड रूप में, ठीक है। कहां पर? तो सऊदी अरेबिया में, ऑप्शन नंबर आपका सी। और सऊदी अरेबिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, याद रखना। कैपिटल रियाद। और करेंसी आपका, मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल। और क्लास आप लोग इतने लोग देखते हैं, लाइक कर जाना, पैसा देकर मत जाना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस नागरिक ने भारतीय नागरिक को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए पाकिस्तान के प्रयास को जो है वो अवरोध किया है? यहां पर क्वेश्चन को समझ लेना, एक पिटिशन दायर किया गया था किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। बताओ उनका क्या औकात है? उनके द्वारा बोला गया था कि भारत के जितने भी नागरिक है उनको वैश्विक आतंकवादी जो है वो घोषित किया जाए। इसका पूरा विरोध किया गया है, यानी ब्लॉक कर दिया गया है इस बात को। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा, यानी इंडिया को यहां पर सपोर्ट मिला है अमेरिका से, ठीक है। और एक बात और बहुत अच्छे से आप सभी समझ लीजिए, जो भी मेरे भाई बहन हैं, किस सेक्शन के अंदर इसको ब्लॉक किया गया है अमेरिका के द्वारा? तो द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सेक्शन कमेटी के द्वारा, ठीक है, यह भी याद रखना आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न और मध्य आय वर्ग की महिलाओं के लिए ICICI होम फाइनेंस द्वारा शुरू की गई किफायती आवास लोन योजना का नाम बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझाऊंगा, समझ लेना। एक्चुअल में आप सभी ने देखा होगा, अगर बैंक से आप लोन लेने जाते हैं होम लोन, तो रेट क्या रहता है? 10%, 8%, 8.5%, ऐसा रहता है। लेकिन ICICI बैंक के द्वारा होम लोन के लिए महिलाओं के लिए एक फैसिलिटी जो है वो जारी किया गया है इस स्कीम के अंदर। किस स्कीम के अंदर? सरल, जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे, सरल। इस योजना के अंदर ICICI बैंक के द्वारा महिलाओं को 7.67% के ब्याज दर के हिसाब से लोन दिया जाएगा, वो भी 35 लाख रुपए तक के लिए, ठीक भैया, कोई भी ले सकता है क्या? नहीं, एक क्राइटेरिया बनाया गया है, जिनका इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में, यानी कम से कम उनका इनकम 3 लाख होना चाहिए, अगर किसी का भी है तो वो लोन ले सकती है 35 लाख रुपए तक, सरल योजना के अंडर में,
जो लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। और इसका टैगलाइन क्या है, हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है, तो इसका टैगलाइन है हम है ना, और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है इस बैंक का, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने 399 रुपए के प्रीमियम पर यूनिवर्सल सोम्पो इस कंपनी के साथ डील साइन किया है ताकि स्वास्थ्य बीमा शुरू किया जा सके, वो भी किस पर, कोरोना वायरस पर। तो 399 रुपए का जो है वो प्रीमियम देने पर जो है आपको हेल्थ कवरेज दिया जाएगा, किस बैंक के द्वारा, तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बारे में मैं आपको पिछले प्रश्न में बता ही चुका हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आरबीआई ने जो आरबीएल बैंक है उसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कौन है ये जिनको आरबीएल बैंक का दोबारा से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाएगा, उनका नाम है आपका प्रकाश चंद्रा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, मुंबई में लॉन्च किए गए एप्लीकेशन ऐप का नाम बताना है जिससे आईसीयू बेड और वेंटिलेटर पर वास्तविक समय की जानकारी को पूरा करता है। यानी अगर आपको पता है मुंबई में COVID-19 बहुत बुरी तरह से फैला है, वहां पर मरीज को या जो भी लोग हैं उनको हर एक जानकारी मिलनी चाहिए, इसीलिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से आप सभी को आईसीयू बेड कितने खाली है, कितने खाली नहीं है, या वेंटिलेटर की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन के माध्यम से। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो उस एप्लीकेशन का नाम है एयर वेंटी, ऑप्शन नंबर आपका सी। और कैपिटल क्या है आपका मुंबई महाराष्ट्र का, तो वो मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस देश के, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। ठीक है, यहां पर बोल रहा है हाल ही में किस देश के सार्वजनिक निवेश कोष ने 11,367 करोड़ रुपए में जियो में, जो कि 2.32% के बराबर है, निवेश किया है। यानी किस कंट्री का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो जियो में इन्वेस्ट किया गया है। हालांकि आज के डेट में जियो में बहुत सारी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, अबू धाबी की कुछ कंपनी है, मैंने बताया था आप सभी को, फेसबुक ने 9.9% इन्वेस्ट किया है। आज मैं बता रहा हूं आप सभी को सऊदी अरेबिया की जो सरकार है वो वहां के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का जो पैसा है वो जियो में निवेश कर रही है, जो 11,367 करोड़ रुपए के बराबर है, और प्रतिशत में देखा जाए तो 2.32% के बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस टीम ने जुवेट्स, यह भी एक टीम है, इसको रोम में, जो इटली का राजधानी है रोम, वहां पर छठवां इटालवी कप जीतने के लिए पेनल्टी के दौरान हराया है, ये आपको बताना है। इटालियन कप कहने का मतलब है, पेनल्टी में समझते हैं ना, अगर मैच ड्रॉ हो गया, टाइम में कोई रिजल्ट नहीं आया फुटबॉल में, तो लास्ट में पेनल्टी से जो है वो डिसीजन होता है, तो पेनल्टी के द्वारा जो है वो विजेता का नाम घोषित हुआ है इटालियन कप जो रोम में हुआ था। ठीक है, तो जो टीम थी आपका जुवेट्स, इसको किसने हराया है, तो इसको हराया गया है नेपोली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। और आज का पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, आप सभी को कमेंट कर ये बताना है, इटली के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, इटली का मुद्रा क्या है, और इटली का राजधानी क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है, क्या नाम है, तो उनका नाम है आपका कुबुटबेक बुरोनोव, ऑप्शन नंबर आपका सी। और एक बात, किर्गिस्तान का मुद्रा क्या है, बिशेक, और मुद्रा क्या, मुद्रा बोल रहा हूं राजधानी, और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर, तो सोम, ये याद रखना बस आप सभी, बाकी तो देश का नाम आगे में जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारे सामने, पांचवें स्टेट पदार्थ का नाम बताइए जिसे साइंटिस्ट, जिसे वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में देखा है,
क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा। कौन सा होगा, किसने देखा है, कौन किस पदार्थ को, उसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने म्यांमार में रोहिंग्यो की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए कहा है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने बोला है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने, यानी UNHRC ने, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगर वहीं पर बात करें म्यांमार को लेकर, तो वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, विन मिंट, कैपिटल और मुद्रा। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत के बाहर दुनिया का पहला भारत के बाहर, यानी भारत में तो बहुत सारा योग विश्वविद्यालय है, लेकिन भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां पर, किस देश में खोला गया है, तो अमेरिका में, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने बाबा रामदेव के खिलाफ अनुमति मांगे बिना क्रोनल, ये आप नाम सुने होंगे आज के डेट में बहुत सारा, कोरोनिल सुने है ना, ये एक कोरोना किट बाबा रामदेव के द्वारा निकाला गया था, जो बताया गया था कि COVID-19 से लड़ सकता है, एक अच्छा दवा है। अब आप नहीं बोल सकते हो कि एक्चुअल में क्या हुआ है ना, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, जो केंद्र सरकार है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, प्लस राजस्थान सरकार ने जो है वो एक याचिका दायर भी की है, प्लस उत्तराखंड का जो आयुर्वेद है वो भी इसके विरोध में आ चुका है, और आयुष मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का वो भी फटकार रही है। तो अब इसमें कितना पॉलिटिक्स है, क्या है, नहीं बता सकता कोई भी, क्योंकि आप सभी को पता है जो है सब पैसा का खेल है। ये भी तो हो सकता है ना कि जो एलोपैथी के डॉक्टर है, दवा है, वो पैसा दबा देकर इस मामले को दबा रही है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, तो इस पर बात नहीं करेंगे, आप बस क्वेश्चन से मतलब रखो। और एक बात, कैपिटल क्या है, किसने याचिका दायर की है, तो ये याचिका दायर किया गया है बाबा रामदेव के द्वारा राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। कैपिटल क्या है, वहां का जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्रा। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बनाई है, तो अगेन ये योजना बनाया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा, और इनका मोटो टारगेट एम ये है कि राजस्थान में कोई भी इंसान भूखा ना सोए, इसीलिए इन्होंने इंदिरा रसोई योजना जो है शुरू करने जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की है, 15,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है, तो निराकरण प्रधान ने, ऑप्शन नंबर आपका डी। एक एक क्वेश्चन गांठ बांध लेना, ठीक है, 10 से 12, आज का क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इतने क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, इतना ही बोल सकते एग्जाम में, अगर ढंग से नोट्स आप सभी के पास और पढ़ रहे हैं तो। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है, अर्जित पटेल, जिन्होंने इस्तीफा दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के पद से, नाम तो याद होगा, भूले नहीं होंगे, तो इन्होंने अभी चेयरमैन बन चुके हैं कहां के, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन एक्सिस बैंक छोड़ने के बाद जो केरला की कैथलिक सीरियन बैंक है ना, उसमें शामिल हो गए, कौन है, और इनको वहां का अध्यक्ष बनाया गया है इस बैंक का, ठीक है, उनका नाम है परलय मंडल, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो GSW सीमेंट है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है, दादा टाइगर ऑफ बंगाल सौरभ गांगुली को, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कब का, 26 और 27 जून का। क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा, 29 जून से हर एक क्लास आप सभी का लाइव चलेगा, हर एक क्लास का नोट्स अपने पास आप सभी रखना, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना।